नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक चर्चा एक नए एपिसोड में। और आज कुछ नए इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर आप लोग के साथ करने जा रहा हूँ, तो इसलिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ है जोलो की तरफ से। जोलो जो है वो मतलब एरा 2X को 5 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है, इसीलिए अगर जोलो के फैन हैं तो आप वेट कीजिए, 2X को आप 5 जनवरी के बाद परचेज कर सकते हैं। न्यूज़ है दोस्तों, करीना कपूर का जो सेलिब्रिटी है उसका IT फाइलिंग अकाउंट जो हैक किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, वो हैकर को कर लिया गया है उस शख्स को। तो दोस्तों मैं पहले बोल देता हूँ कि जो भी हैकिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है ना, तो जान लीजिए कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं होती है। फिलहाल के लिए आप चाहिएगा कि उसके अकाउंट से छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी फुटप्रिंट छूट गया ना तो आपके पीछे लग जाएगी। इसीलिए अगर ये सब के चक्कर में है भी तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा यही कि आप ये सब चीज़ नहीं कीजिएगा। हाँ, जानना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी, ताकि अपने आप को सिक्योर कर सकें, ठीक है। यह है मेडिकल रिसर्च की तरफ से कि अब बहुत जल्दी ब्रीथलाइजर जो है एक डिवाइस है जिसके थ्रू आपके शरीर के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डायग्नोस किया जा सकता है, उसका सफल इलाज किया जा सकता है। मतलब जैसे आप टेस्ट करने के लिए कोई चीज़ अंदर रखते हैं, थर्मामीटर रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं टेम्परेचर के लिए, ऐसा ही ब्रीथलाइजर को आपके मुँह के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे आप सूप पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसका कोन के बना करके, तो वहाँ पे क्या है कि आपके मुंह में डाल दिया जाएगा, आप जो सांस लीजिएगा उसके टेस्ट करके आपके शरीर के अंदर जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी उसको भी डायग्नोस किया जा सकता है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मेडिकल के फील्ड में एक नया रिसर्च है और डॉक्टर लोग बहुत जल्दी इसका यूज करने वाले हैं, तो एक अच्छी खबर है। इसके बाद आती है नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है आसूस की तरफ से, आसूस X00GD मोबाइल को टेना सर्टिफिकेशन पे स्पॉट किया गया है, जिसमें कि एंड्रॉयड नगट मिलेगा, मतलब एंड्रॉयड 7.0 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। वायरल की तरफ से एक न्यूज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे, वो है कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ₹500 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर दिया जा रहा है। ये एक स्कैम है। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आपके पास आता है तो उस लिंक पे आप क्लिक ना करें, क्योंकि ये स्कैम जो है कोई भी एप्लीकेशन के या किसी भी वेबसाइट को वायरल करने के लिए ऐसा यूज होता है। तो इस टाइप का अगर आप में मैसेज आता है तो वो आगे फॉरवर्ड ना करें, और कोई भी चीज़ फॉरवर्ड करें तो उससे पहले जाँच परख लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी स्कैम का तरीका भी है तो वो है व्हाट्सएप, क्योंकि मिनटों नहीं सेकंडों में बहुत लोगों के पास शेयर हो जाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ से बच के रहिएगा। न्यूज़ है दोस्तों क्वालकॉम की तरफ से। क्वालकॉम चिपसेट बनाने वाली कंपनी है, और इसके गलती से मिस्टेक से क्या हुआ है, एक जेनफोन AR जो है इसका लीक हो गया है, बाय मिस्टेक हो गया है, जिसमें बताया गया है कि गूगल का जो प्रोजेक्ट है टेंगो प्रोजेक्ट वो इसमें इनबिल्ट रहेगा। तो न्यूज़ है दोस्तों एंड्रॉयड ओपन सोर्स का अदर डिस्ट्रो है उसके बारे में, जैसा कि पिछले वीडियो में बता दिया था न्यूज़ में कि सैनेजन ऑपरेटिंग सिस्टम 31/12/16 से बंद होने जा रही है, और वो बंद भी हो गई। लेकिन ये बंद होने के जस्ट 2 दिन के अंदर में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जिसका नाम है Lineage। ये सैनेजन ऑपरेटिंग सिस्टम का जस्ट सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, तो Lineage ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जो वीवो की तरफ से वीवो V5 Plus जिसमें डुअल कैमरा है, ये जो है इंडिया में 23 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप वीवो के लिए वेट कर रहे हैं तो 23 जनवरी तक वेट कीजिए, इसके बाद इस फोन को आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों BSNL की तरफ से। BSNL ने ₹144 में एक नया प्लान दिया है, जिसके तहत आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं, STD है लोकल 1 महीने तक के लिए। और एक और न्यूज़ है कि 4400 वाईफाई हॉटस्पॉट जो है पूरे कंट्री में BSNL लगाने जा रही है। मतलब जियो को टक्कर में अगर कह सकते हैं BSNL उतरा है, तो कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है कि इसको टक्कर देने के लिए BSNL, जैसा कि सरकारी मतलब एजेंसी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, गवर्नमेंट की तरफ से ये इसको चलाया जा रहा है, और इसके बाद अगर इस फील्ड में उतरी है तो ये बहुत अच्छी कदम है। BSNL यूजर के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि उनको स्विच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जियो में एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है कि कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम, जिस कारण से लोग जियो पर स्विच करने से कतराते हैं। मतलब कि डिफॉल्ट सिम परमानेंट नंबर जियो को कोई नहीं बना रहा है, कोई ना कोई एयरटेल वोडाफोन आइडिया उसी को रखे हुए है, सेकेंडरी में रखे हुए जियो को। लेकिन जब जियो कंप्लीट अपना सेटअप बना लेगा तभी इसको प्राइमरी मोबाइल नंबर बनाया जा सकता है। तो ये जो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ था मेरे तरफ से। अगर ये न्यूज़ पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साथ साथ कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक एजेंट फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो एजेंट फॉर्म को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।